हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा एंड गाइस, इस वीडियो में स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीजल एग्जाम 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान, जबकि आपके आपके स्टेट में लॉकडाउन लग चुका है कोरोना की वजह से, जो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा एक दो महीनों से, तो आप इसमें अपनी तैयारी को इन्हांस कैसे कर सकते हो, इफेक्टिव कैसे कर सकते हो, आखिर वो क्या टिप्स होने वाली है जिससे आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ विदाउट एनी डिले। गाइस देखिए, टिप नंबर वन मेरी साइड से हमेशा से ये रहेगी कि पहले तो आप अपना सिलेबस नोट डाउन जरूर करिए एक डायरी में। आप इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीएस सारा सिलेबस एक बार नोट डाउन करें। उसके बाद उसमें एक सेग्रीगेशन करें कि क्या टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी आपके इनकम्प्लीट है। पहला ध्यान आप लोगों को इनकम्प्लीट पोर्शंस पे देना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग में से हो, चाहे वो जीएस में से हो। आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको पहले कंप्लीट करा जाए इत्मीनान से, टाइम देके, ठीक है। फिर आप लोगों को सारे के सारे जो भी आप लेंगे, आप लोगों के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, वैसे मैं ग्रेड अप का सजेस्ट करूंगी आप लोगों को एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे काफी बढ़िया 55% या 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मैं यही आप लोगों को बोलूंगी कि AP40 जो है वो हमारा कोड है एंड आप लोगों को AP40 ही यूज करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को बहुत 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 सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग विदाउट कोड इसको लोगे तो 262 का पड़ेगा, लेकिन जहां आपने AP40 लगाया आपको ये 158 रुपीज का मिल जाएगा। कोई भी और कोड लगाओगे तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना AP40 करेगा, इसीलिए आपको बता दिया। टॉकिंग अबाउट सेक्शनल मॉक, गाइस देखिए, अभी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, टारगेट रखिए कि आप लोग मिनिमम जून की 15 तारीख तक, जब भी एसएससी नया कैलेंडर निकालेगा उससे पहले तक, अपने सारे के सारे सेक्शनल मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक कंप्लीट कर दें एसएससी सीजीएल के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। टॉकिंग अबाउट रिवीजन एंड नोट्स, नोट्स गाइस देखिए, अगर आप लोगों ने अपने हाथ से बनाई है तो ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। आप भी जानते हो अपने हाथ से लिखने के बाद एक अलग ही टाइप का रिविजन होता है, ठीक है। नोट्स का रिवीजन करते रहो, ट्राई करो कि टॉपिक वाइज आप लोग अपना रिवीजन करो अपने नोट्स में से, ठीक है। वीकली मॉक्स एक लगाने आप लोगों को, अभी हफ्ते में एक मॉक भी इनफ है, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से करना, ठीक है। देखो गाइज, मैं अभी भी समझाऊ एक बात, हफ्ते के 4 मॉक, महीने का 1 मॉक, वो भी प्रॉपर एनालिसिस से बात एक ही पड़ेगी, इसीलिए मॉक्स को भी वेस्ट मत करना। वैसे आप लोगों को काफी अबंडेंस में मॉक मिल रहे हैं, बट स्टिल वेस्ट मत करना, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि पेपर का पता नहीं कब जुलाई हो जाए, क्या पता कोरोना अगर ठीक नहीं हो रहा है अभी जिस तरीके से पीक चल रही है, ये अगस्त शिफ्ट हो जाए, नेवर नोस, ठीक है, यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए अपना जो है ना, बहुत ध्यान से तैयारी करते रहो और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होंगे। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे पहले इनकम्प्लीट पोर्शंस करो, सेक्शनल मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बुक से रिलाई करो, ठीक है। अपनी ऑनलाइन क्लासेस आपने जो भी ले रखी है प्लीज उन्हें कंप्लीट करिए जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को सेल्फ रिविजन के लिए टाइम मिले। रिविजन करते रहो, नोट से प्रॉपरली अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, वीकली मॉक्स लगाने का ट्राई करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, एंड ये डेफिनेटली मेक श्योर करेगा कि आप लिस्ट में जरूर हो, ठीक है। मिलते हैं आने वाली बहुत सारी वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान जरूर रखें, सेफ रहें, घर में रहें, कोई भी दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। बाकी आप ग्रेड अप के मॉक्स ले सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, बढ़िया बात यह है कि कोड है AP40 और बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 60% तक का, ठीक है। कोई भी कोड इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना AP40 करेगा, लेकिन आप लोगों को और कोई भी हेल्प चाहिए हो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अपनी परीक्षा सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, नहीं तो लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते आने वाली बहुत सारी वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर।